हाँ, मुझे जब मैं शूट कर रही थी तो कुछ एहसास मुझे लग रहा था कि कुछ है, बट फिर बाद में मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था शूट के बाद। फिर बाद में सब लोग बोलते थे कि मतलब मीन्स तुम्हारा एक्ट ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता था, बट बस वही थोड़ा बहुत मतलब सच में था तुम्हारे आई डोंट नो, बट अंदर? थोड़ा थोड़ा सा मतलब मीन्स लाइक फील। अभी अभी याद आ रहा है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं अभी अभी तो यही हो ना, अभी यही डेफिनेटली मैं यही आपका। करी हूँ। अच्छा हुआ ये सब शूट के बाद मुझे मुझे हुआ। आपके किरदार के बात करें तो कितनी आपने तैयारी की थी, या क्या आपको सजेशन दिया गया था, क्या आपने इसको लेके तैयारी की थी? जी, इससे पहले मैंने कॉमेडी की थी, रोमांटिक मूवी की थी, और ये मूवी मैंने मतलब ये हॉरर मूवी मेरी फर्स्ट मूवी है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और हमारे सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो हमारे सर ने किया, रफत सर ने किया, जो काफ़ी चीज़ें हमें समझाई कि ऐसे नहीं, ऐसे एक्ट होता है ये वो। तो इस मूवी में काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे। अमित आपसे जानना चाहेंगे, दरअसल देखने में भी हॉरर लग रहे हैं, तो कितना आपने मजा लिया किरदार में, जिया, और क्या आपने उस गेटअप को लेके, आपने किरदार को लेकर आप खड़े उतर पाए? होप सो, बिकॉज थोड़े टाइम तक तो मैं तो काफ़ी कंफ्यूज था इस प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, तांत्रिक कर रहा हूँ या कुछ साइकोलॉजिस्ट। मैं करते 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 मैं एटलीस्ट कन्फ्यूज था, कभी डायरेक्टर के पास जाऊँ, कभी किन के पास जाऊँ, यार एक्चुअली मैं करूँ क्या, किस लेवल में लेके जाऊँ इसको, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलना है या लो में खेलना है, कैसे करना है। फिर इन्होंने बोला है, भाई मुझे तेरे पे भरोसा है। मैम से पूछा, बोला तेरे पे भरोसा, जो तू करेगा अच्छा करेगा। तो मैंने उस जोनर में जाके उस लेवल को, मैंने उस कैरेक्टर को अपने हिसाब से अच्छे से कर लिया। बट होप सो मेरे डायरेक्टर और मेरे प्रोड्यूसर, मेरे को स्टार, कभी कभार तो लोग मेरे परफॉर्मेंस से काफ़ी डर भी जाते थे, बट आई डिड माई बेस्ट फॉर दिस परफॉर्मेंस। कितनी उम्मीदें हैं इस फिल्म से, और कितनी आशाएं अपेक्षाएं रखते हो आप इस फिल्म से? एक्चुअली इस मूवी से मेरी काफ़ी उम्मीदें हैं, बिकॉज जब मैं कोई भी प्रोजेक्ट ज्वाइन करता हूँ, डैट इज़ माई बेबी, माई मॉम, माई डैड, तो मैं उस लेवल, उस उतना इम्पोर्टेंस उस प्रोजेक्ट को देता हूँ। और ये प्रोजेक्ट से मेरी काफ़ी उम्मीद है, बिकॉज आई डिड 102% एंड 200% ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और हमारी टीम ने, मैम, रफत सर और मेरे भाई और मेरी फ्रेंड ने काफ़ी हद तक इस प्रोजेक्ट को इतना मेहनत किया है कि इस प्रोजेक्ट को आसमान तक लेके जाने के लिए उन्होंने काफ़ी दिन रात मेहनत की है। मैडम एक आखिरी सवाल आपसे, एज ए प्रोड्यूसर, ये लोगों ने कितना परेशान किया आपको सेट पे, टाइम पे आना नहीं आना, कोई फोन पे लगे रहना, कोई इधर उधर लगा हुआ, कितना परेशान किया इन लोगों ने? इन लोगों ने मुझे कोई परेशान नहीं किया, मैंने इन लोगों को ज्यादा परेशान किया। टाइम से पहले शूट स्टार्ट हो जाता था सर, और टाइम के बाद पैकअप होता था। कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा? बहुत बहुत कमाल का रहा सर, बहुत एंजॉय करके सबकी एक फैमिली मेंबर की तरह थे सर, बहुत ही अच्छा मोमेंट था वो। वो 10 डेज हमारे लिए दिवाली था सर। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन भी घर घर मत जाना, लेकिन हां कम है। देखो देखो देखो, माइक बाहर भाग रहा है। ड्रो ये करेंगे, तू करने डायरेक्टर साहब, आप चाहेंगे कि आप अपनी पूरी टीम को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। सर ये मेरी टीम है, ये अभिषेक भट्टाचार्य, माय सेल्फ मोहम्मद ओएस कुरैशी, हां शशि सिंह, हाय पारस रंधावा, हाय गोविंद सिंह। किस तरह के रोल प्ले कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा बताइए। लीड एक्टर हमारे यही हैं, आप इनसे पहले शुरुआत कीजिए, बता दीजिए। सबसे पहले थ्री डेज ऑफ हॉरर की बात करें और आपके किरदार की बात करें, तो किस प्रकार का किरदार है, और आप अभी किरदार से बाहर आए या नहीं? अभी तक बाहर नहीं आए अभी तक वो कैरेक्टर पे ही हैं, अपने किरदार में ही बैठे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी वो अभी तक आ नहीं सके। चलो वेल, मैं एक छोटे भाई का रोल प्ले कर रहा हूँ, जिसमें क्या कहते हैं मेरे साथ कुछ गलत हुआ रहता है, तो गलत इन द सेंस क्या, गलत मतलब कि कुछ बुरी चीज़ें होती है मेरे साथ, जिसके वजह से मैं अपने भाई को वो बताने की कोशिश करता हूँ।
बाकी आप मूवी देख सकते सब कुछ सर बता नहीं सकते हम लोग। मैडम आप बताएं अपने किरदार के बारे में। मेरा जो कैरेक्टर मैं इसमें प्ले कर रही हूँ ऐसे रोमांटिक गर्ल है जो चुलबुली है, मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती करती है और जो जंगल में जाके फनी कैरेक्टर करती है, मतलब कि उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, बट जब उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो डरने लग जाती है। रियल लाइफ में भी कभी ऐसा कुछ हुआ था जिसे आप अभी तक दिमाग में ज़हन में बैठा हुआ है? हाँ सर, रियल लाइफ में काफ़ी बार हुआ है मुझे शूटिंग पे कि ऐसा हो जाता है कि पता नहीं चलता उस टाइम पे। शूट पे कितनी बार हुआ है जो मैंने पहले भी मूवी की है, बट लव शेयर करना चाहिए क्या? ऑफ कोर्स, मैंने पहले की थी प्यार में ऐसा होता मूवी, एज ए कैरेक्टर किया था मैंने हिमानी शिवपुरी जी के साथ में। तो मतलब जैसे हमारे 12 बजे जैसे शूट एज कम्प्लीट हुआ तो वो हरियाणा में शूट था रिवाणी कॉलेज में, तो वहाँ पे होने के बावजूद जैसे हम 12 o'clock बाहर निकले, ब्रेक था, तो वहाँ से जाने के बाद मेरी बॉडी मूवमेंट एकदम टेढ़ी हो गई थी क्योंकि उसमें इफेक्ट ऐसा हो गया कि मतलब कि दो बंदों को दोनों हाथों पे ऐसे उठा लिया, तो पूरी जो टीम थी पूरा डर चुकी थी, तो ऐसे बहुत ज़्यादा हॉरर हो गया। पूरा गर्ल्स कॉलेज जो था डर चुका था क्योंकि मैं उनके साथ स्टे कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। तो लगता है कि हाँ हॉरर है, जो भगवान भी है तो ऐसे डर भी है। हाँ यार हाँ, वहाँ का जो बोले तो मतलब वहाँ का जो जंगल था बहुत ज़्यादा अच्छा था वैसे, क्योंकि लोग बोलते ज़्यादा जंगल में डर लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा था, हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा। जंगल में डर भी लगा था क्योंकि हमें हमारी प्रोड्यूसर ने सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करी थी हमें, बट एक्चुअली क्या होता है अगर जंगल में आपको टाइगर की धार सुनाई दे तो डरते हैं सभी लोग। तो हमारे साथ ऐसा कोइंसिडेंस हुआ था तो एक अंदर से डर आ गया था, हॉरर मूवी तो थी लेकिन अंदर से भी हॉरर आ ही गया था जी। और एक और चीज़ मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगी, ये हमारी जो मैडम है ये आइटम सॉन्ग भी कर रही है हमारी सेकेंड फिल्म का डार्क हाउस का, मेन जो लीड है वो ये कर रही है आइटम सॉन्ग गर्ल। हाँ जी दोनों मूवी नहीं क्योंकि मैंने ऑडिशन तो नहीं दिया था, वो लुक वाइज ही इतनी अच्छी थी कि उसको ऑडिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और आपने? ये ही इज माय भांजा ये प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर। तो क्या ये देखा जाए कि इस मूवी को मतलब खुद को लॉन्च करने के लिए ये मूवी की आपने? नहीं नहीं, स्टोरी कुछ अच्छी लगी आपको ज्यादा इस तरह? ऐसा कुछ नहीं था, जब मेरे डायरेक्टर ने एक स्टोरी सुनाई तो अच्छा जब हमारे डायरेक्टर योगेश भाटिया इन्होंने क्या बोलते हमारे डायरेक्टर योगेश भाटिया ने जब ये आपका स्क्रिप्ट बताया, स्टोरी बताई इन्होंने हमें, तो फिर उस हिसाब से इन्होंने क्या बोलते हैं कैरेक्टर वो प्ले करने वाले जो भी अपने ये वेल आर्टिस्ट हो गए, इन्हें उन्होंने उसी तरीके से लिया एंड इन्होंने मुझे भी चूज किया इस मूवी के लिए। एक्चुअली हमारे डायरेक्टर ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करा एंड हमने भी उनके साथ उतना ही कोऑपरेट करा क्योंकि एक्चुअली ये हमारे लिए एक टीम वर्क था एंड हमारी प्रोड्यूसर ने हमारे बहुत साथ दिया उसमें एंड हमारे डायरेक्टर तो हमें समझाते भी हैं हमारे लिए सब। बिल्कुल आपके साथ में काम करने का अनुभव कैसा रहा, क्योंकि नॉर्मली बोलते हैं न्यूकमर्स के साथ में काम करना।